हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल सलाम और आपका वेलकम है नेटसेट कोना चैनल में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जीआईएस, दैट इज रास्टर एंड वेक्टर डेटा मॉडल। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कंटेंट। आज का जो डिस्कशन रहने वाला है इन टॉपिक के ऊपर रहने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ जीआईएस डेटा, जो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे, स्पेशल डेटा एंड नॉन स्पेशल जीआईएस डेटा, इन दोनों के ऊपर। तो अगर आप वो लेक्चर नहीं देखें तो प्लीज़ आई बटन में जाइए, वहाँ पर लिंक दे दूँगा आई बटन पर, वहाँ से देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल रहेगा उसका लिंक, वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रास्टर डेटा, रास्टर डेटा स्ट्रक्चर क्या है और एडवांटेज डिसएडवांटेज, ओके। देन वेक्टर डेटा देखेंगे क्या है, फिर डेटा वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे, देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, देन रास्टर एंड वेक्टर डेटा फॉर्मेट्स, ओके। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं जीआईएस डेटा टाइप्स। ये जो लेक्चर है वो पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे तो आज इसको जल्द से जल्द रिकैपिटुलेट करते हैं, ओके। तो जीएस डेटा जो है, जीएस में टू टाइप होता है, एक स्पेशल डेटा, दूसरा है नॉन स्पेशल डेटा। तो स्पेशल डेटा वो डेटा है जिसका कोऑर्डिनेट्स रहता है, मतलब लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड डिफाइन रहेगा, ठीक है, जो क्या करेगा, पोजिशन शो करेगा किसी भी ज्योग्राफिकल फीचर्स का, ओके। और देखिए, इट रिप्रेजेंट्स द लोकेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स, वो लोकेशन प्रोवाइड करेगा क्योंकि उसका क्या है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिफाइन है, ओके। और ये लोकेशन रिप्रेजेंट करेगा बाय द पॉइंट्स, लाइंस एंड पॉलीगॉन्स, ओके। देखिए, स्पेशल डेटा जो है टू टाइप्स होता है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, वो था रास्टर डेटा और वेक्टर डेटा, ओके। और नॉन स्पेशल डेटा जो है, नॉन स्पेशल डेटा क्या करता है, वो कैरेक्टरिस्टिक देता है ज्योग्राफिकल फीचर्स का, ओके, बस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और इसलिए नॉन स्पेशल डेटा को बोला जाता है एट्रीब्यूट डेटा। और देखिए, ये यहाँ पर ये जो लाइन दिए हैं हम, न्यू जो टॉप पॉइंट दिए हैं यहाँ पर, ये वाला हमने पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए, नॉन स्पेशल डेटा भी टू टाइप्स होता है, एक स्टैटिस्टिकल डेटा और डिस्क्रिप्टिव डेटा। तो स्टैटिस्टिकल डेटा वो डेटा है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव रहता है वर्ड एंड टेक्स्ट फॉर्मेट। यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम में देखिए, दोनों डेटा यहाँ पर डायग्राम में फॉर्म में दिया हुआ है, एक स्पेशल डेटा, दूसरा नॉन स्पेशल डेटा। स्पेशल डेटा हमने बताया कि वो पॉलीगॉन लाइंस थ्रू कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू हम लोग डिस्क्राइब करते हैं किसी भी ज्योग्राफिकल फीचर्स को। देखिए यहाँ पर यूएसए की कंट्रीज यहाँ पर देखिए पॉलीगन के थ्रू डिस्क्राइब किया हुआ है, देखिए यहाँ पर। तो जो ये जो है स्पेशल डेटा है, और नॉन स्पेशल डेटा हमने बताया कि एक स्टैटिस्टिकल मतलब न्यूमेरिकल, और एक बात बताया कि डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्ड और टेक्स्ट फाइल में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट फाइल जो है ये तो डिस्क्रिप्टिव हो गया, और यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल जो स्टैटिस्टिकल फॉर्म में है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब चलते हैं आज का मेन डिस्कशन जो है रास्टर डेटा एंड वेक्टर डेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं रास्टर डेटा क्या है। रास्टर कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ सेल्स और पिक्सल्स, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू रो एंड कॉलम्स और ए ग्रिड, वेयर ईच सेल कंटेन्स ए वैल्यू मतलब डीएन वैल्यू, ठीक है, डीएन मतलब डिजिटल नंबर वैल्यू, रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन सच एज टेम्परेचर। यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं, टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर दिए हैं, लेकिन बहुत सारा एग्जांपल होता है, टेम्परेचर, सैलिनिटी, प्रिसिपिटेशन, बहुत सारा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि रास्टर डेटा जो है कंसिस्ट होता है एक, देखिए, हॉरिजॉन्टली रो के थ्रू और वर्टिकली एक कॉलम के थ्रू, ठीक है। तो जब हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली जो देखिए लाइन खींचने के बाद देखिए स्क्वायर एक फील्ड मिल रहा है हम लोग को, तो ये एक
ग्रिड सेल, इसको सेल भी बोला जाता है और इसको पिक्सल भी बोला जाता है, ठीक है। एक पिक्सल्स है, ठीक है। हर एक जो फील्ड यहाँ पर क्रिएट हुआ, स्क्वायर फील्ड, वो एक पिक्सल है इमेज का, ओके। तो इसको क्या बोला जाता है, रास्टर डेटा। अगर हम लोग किसी इमेज को जूम करेंगे, आप चेक कीजिएगा जूम, अब अगर आप जूम करेंगे तो इस तरीके का एक स्क्वायर फील्ड में पिक्सल मिलेगा आपको। अब देखते हैं रास्टर डेटा स्ट्रक्चर क्या है। रास्टर डेटा कम्स इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल पिक्सल्स, जो हमने बताया। देखिए यहाँ पर, देखिए ये है रो और ऊपर वाला कॉलम, ठीक है। और स्क्वायर जो ये ग्रिड और सेल मिल रहा है हम लोग को, वो क्या है, होता है इंडिविजुअल सेल, ठीक, सॉरी इंडिविजुअल पिक्सल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई मैट्रिक्स ऑफ ग्रिड, मैट्रिक्स और ग्रिड ऑफ पिक्सल, ओके। ईच पिक्सल प्रिजर्व्स लोकेशनल इंफॉर्मेशन, हर एक जो यहाँ पर देखिए पिक्सल क्रिएट हुआ, ठीक है, सबका अलग अलग एक लोकेशनल इंफॉर्मेशन प्रिजर्व रहता है। दिस टाइप ऑफ स्पेशियल डेटा यूजुअली बल्की एंड रिक्वायर्ड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं रास्टर डेटा स्ट्रक्चर का। एग्जाम्पल जो है सैटेलाइट इमेजरी, डिजिटल एलिवेशन मॉडल DEM, एरियल फोटोग्राफी एंड स्केल्ड मैप ETC, ओके। ये सब चीज़ जो है आपका एग्जाम्पल हो गया रास्टर डेटा स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर देखिए वॉल पिक्सल्स इन रास्टर डेटा मस्ट बी सेम साइज। देखिए पिक्सल हम लोग जो मिला एक सेल पे, उसको क्या होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए पिक्सल का, सेम साइज, ओके। जो डिटरमाइनिंग करेगा रेजुलेशन को, द पिक्सल कैन बी एनी साइज, पिक्सल किसी भी साइज में होना चाहिए लेकिन सेम साइज होना चाहिए, बट दे शुड बी स्मॉल इनफ, वो इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए जो मैक्सिमम डिटेल एनालिसिस ना कर पाए, इतना छोटा होना चाहिए जो परफॉर्म कर पाए मैक्सिमम डिटेल एनालिसिस। ये पिक्सल और सेल रिप्रेजेंट ए स्क्वायर किलोमीटर, एक एक देखिए यहाँ पर जो पिक्सल हम लोग को मिला, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर किलोमीटर को, ठीक है, स्क्वायर मीटर को और इवन स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम लोग को देखिए यहाँ पर जो पिक्सल का साइज जो मिल रहा है, ठीक है, छोटे से बड़ा, देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर देखो बहुत छोटा बोल रहा है और यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन जो भी हम लोग को साइज मिल रहा है, ठीक है, अगर सेंटीमीटर में मिला ये जो पिक्सल का साइज, तो हर एक पिक्सल सेंटीमीटर में ही रहना चाहिए, सेम साइज, ओके। अगर स्क्वायर किलोमीटर में मिला हम लोग को, तो सब स्क्वायर किलोमीटर में ही होना चाहिए। पिक्सल और सेल आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स दैट आर कंस्ट्रक्ट ए सर्टेन मैट्रिक्स फॉर्मेट। द रोज ऑफ द मैट्रिक्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड द कॉलम्स आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। रो जो है आपका एक्स एक्सिस पे और कॉलम जो है वाई एक्सिस, ओके। तो ये रहा डाटा स्ट्रक्चर ऑफ द रास्टर डाटा। अब देखते हैं रास्टर डाटा का एडवांटेजेस क्या है। रास्टर डाटा जो है वेरी सिंपल डाटा स्ट्रक्चर होता है, कंपेटेबल विथ रिमोटली सेंस्ड इमेजरी, कंटिन्यूअस फीचर्स आर बेस्ट रिप्रेजेंटेड यूजिंग रास्टर। कंटिन्यूअस फीचर्स को हम लोग बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं रास्टर डाटा जब यूज करते हैं, और ओवरले एनालिसिस इजी टू परफॉर्म, ओवरले एनालिसिस जो जब करते हैं GIS में रास्टर डाटा के थ्रू, वो बहुत ईजिली परफॉर्म, ईजी टू परफॉर्म, बहुत ईजी से कर पाते हैं। तो देख लेते हैं डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है। डिस्क्रीट डेटा आर डिस्टिंक्ट फीचर्स दैट हैव डिफिनाइट बाउंड्रीज एंड आइडेंटिटीज। डिस्टिंक्ट डेटा वो डेटा है जिसका डिस्टिंक्ट सेपरेट फीचर्स रहता है और एक पर्टिकुलर बाउंड्रीज होता है और आइडेंटिटीज रहता है, ठीक है, डिस्टिंक्ट डेटा में। तो इसका एग्जाम्पल देखिए डिस्टिंक्ट डिस्क्रीट डेटा का। डिस्क्रीट डेटा देखिए एक डिस्ट्रिक्ट का जैसे एक डिफिनाइट क्या रहता है, बाउंड्रीज होता है, ठीक है, हाउसेस का भी एक डिफिनाइट बाउंड्रीज रहता है, टाउन का भी रहता है, एग्रीकल्चर फील्ड, रिवर्स एंड हाईवेज, ओके। तो डिस्क्रीट डेटा, ये जो डेटा होता है ये हम लोग वेक्टर डेटा में इजीली परफॉर्म वेक्टर डेटा में इजीली परफॉर्म कर पाते हैं, और कंटिन्यूस डेटा जो होता है वो रास्टर डेटा में परफॉर्म कर पाते हैं, ओके, याद रखिएगा। तो कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, कंटिन्यूअस डेटा हैज नो डिफाइंड बॉर्डर्स, यहाँ इसका कोई डिफिनाइट बॉर्डर्स नहीं होता है, ओके, और डिस्टिंक्टिव वैल्यूज, कोई
कोई अलग से एक कोई वैल्यू नहीं रहता है इसका। इंस्टेड ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर, इसका क्या रहता है, एक ट्रांजिशन वैल्यू रहता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन एंड एलिवेशन। तो देखिए अगर हम लोग सी टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो देखिए एक जगह पे देखिए एक बाउंड्री, मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया, ओके। तो यहाँ पर समझ कीजिए कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 26 हो गया, तो यहाँ पर 24 हो गया। इस तरीके से ये कंटिन्यूस डेटा हम लोग को मिलता है। तो यहाँ पर देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है रास्टर डेटा में। अगर हम लोग देखिए लार्ज सेल ऑफ पिक्सल यूज करते हैं तो क्या होगा, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, सीरियस लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। फर्स्ट जो डिसएडवांटेज हो गया, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर उस इसे एक पिक्सल एक ग्रिड का जो अगर साइज देखा जाता है, लार्ज साइज ले लिया हम लोग, स्क्वायर किलोमीटर में ले लिया, ठीक है, अगर स्क्वायर किलोमीटर में लेते हैं तो उसका जो इंफॉर्मेशन होता है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट हो गया वो है लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। सेकेंड देखिए, रास्टर मैप्स आर कंसिडरेबली लेस ब्यूटिफुल दैन द लाइन मैप्स। लेस प्रीटी, लेस ब्यूटीफुल होता है रास्टर डेटा जो मैप हम लोग क्रिएट करते हैं, वो लेस ब्यूटीफुल होता है। नेटवर्क लिंकेज आर डिफिकल्ट टू इस्टेब्लिश, नेटवर्क लिंकेज यहाँ पर हम लोग इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, ये इजीली परफॉर्म कर पाते हैं डिस्क्रीट वेक्टर डेटा में। प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन आर टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट। नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेक्टर डेटा। वेक्टर डेटा क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड को यूजिंग लाइंस, पॉइंट्स एंड पॉलीगन्स। देखिए पॉइंट्स, लाइंस एंड पॉलीगन्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं ज्योग्राफिक वर्ल्ड को, ओके। वेक्टर मॉडल्स आर यूजफुल फॉर स्टोरिंग डेटा दैट हैज़ ए डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। अभी हमने डिस्कस किया कि डिस्टिंक्ट एंड कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है, तो ये यूजफुल फॉर क्या होता है, यूजफुल फॉर डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज इसका एग्जाम्पल देखिए, कंट्री बॉर्डर्स, लैंड पार्सल्स एंड स्ट्रीट्स। इन वेक्टर डेटा स्पेशल इंफॉर्मेशन आर रिकॉर्डेड एज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम लोग स्पेशल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। अब देखते हैं वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर। वेक्टर डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन्स दैट आर रिकॉर्डेड इन स्पेशल इंफॉर्मेशन एज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेशन। देयर आर थ्री वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तीन प्रकार हम लोग वेक्टर डाटा को तीन प्रकार पे हम लोग डिस्क्राइब कर रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है, वेक्टर डाटा स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट जो वेज है वो है पॉइंट फीचर्स। पॉइंट का देखिए, इट हैज जीरो डायमेंशन, ठीक है, इसका कोई लेंथ और विड्थ नहीं रहता है, ठीक है, कैन नॉट रिप्रेजेंट नाइदर लेंथ और विड्थ, क्योंकि ये सिर्फ पॉइंट है एक। Represented by a single XY coordinate pair, it has area size zero. Area size होता है इसका zero. Mostly used for denotes a single particular features. Mostly used होता है एक single particular features को denote करने में। Suppose example देखिए, एक town हो गया, power pole हो गया, ठीक है, electricity pole, ये सब को denote करने के लिए हम लोग point use करते हैं। और लाइन फीचर देखिए, इट हैज़ वन डायमेंशन, कैन रिप्रेजेंट द लेंथ, देखिए इसका लेंथ हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर पाते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय कनेक्टिंग टू और मोर पेयर ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, देखिए यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट को टू और मोर यहाँ पर ज्वाइन करके ये जो है लाइन फीचर्स ड्रॉ किए हैं। इट हैज़ इट्स लेंथ वैल्यू, इसका लेंथ वैल्यू रहता है इसमें, कॉमनली यूज टू डिमार्केट रोड्स, रिवर्स, स्ट्रीम। देखिए रोड, रिवर और स्ट्रीम को डिमार्केट करने के लिए कॉमनली यूज करते हैं लाइन फीचर को। अब देखते हैं पॉलीगन फीचर्स। इट हैज टू डायमेंशन, कैन रिप्रेजेंट लेंथ एज वेलवाइज विड्थ, हम लोग लेंथ प्लस विड्थ दोनों यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। रिप्रेजेंटेड बाई कनेक्टिंग फोर और मोर पेयर ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। द स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी द एंड पॉइंट, यहाँ पर बोला गया है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वही एंड पॉइंट रहेगा। सपोज कि यहाँ पर स्टार्ट किए हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ पर पॉलीगन लिए, फिर यहाँ पर गए, फिर
नीचे, फिर यहाँ पर, फिर जो स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ पर आके ज्वाइन कर दिए। तो ये हो गया, तो इस पॉइंट में यही बोला गया है। और ये जो है प्रिजर्व करता है एक एरिया को, सपोज कि एक एग्रीकल्चर फील्ड है तो इसको प्रिजर्व करता है। और कॉमनली यूज टू डिमार्केट यूजिंग हैविंग क्लोज बाउंड्रीज, जिसका क्लोज बाउंड्रीज होता है सब। यहाँ पर देखिए पॉलीगन के थ्रू जो हम लोग क्लोज कर देते हैं, उस क्लोज बाउंड्रीज को डिमार्केट करने के लिए हम लोग पॉलीगन यूज करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए नेशनल पार्क, नेशनल पार्क का एक बाउंड्री रहता है, एग्रीकल्चर फील्ड का भी बाउंड्री होता है, इसके लिए पॉलीगन हम लोग यूज करते हैं। अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या होता है राष्ट्रीय डेटा का। गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेनोमेनोलॉजी, इजीली मेक्स कनेक्शन बिटवीन टोपोलॉजी एंड नेटवर्क, एक्यूरेट ग्राफिक्स होता है, इजीली फॉर मेकिंग प्रोजेक्शन एंड कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग जो है प्रोजेक्शन और कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इजीली कर पाते हैं, रिट्रीवल अपडेटिंग एंड जनरलाइजेशन ऑफ ग्राफिक्स एंड एट्रीब्यूट पॉसिबल्स, ये हो गए एडवांटेजेस ऑफ वेक्टर डेटा। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ वेक्टर डेटा। डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वेक्टर डेटा का वो होता है कॉम्प्लेक्स और सिंपल होता है रास्टर डेटा में, ओके। और देखिए यहाँ पर साइमुलेशन में भी डिफिकल्ट, डिस्प्ले एंड प्लॉटिंग कैन बी एक्सपेंसिव पर्टिकुलरली फॉर हाई क्वालिटी कलर। अगर हम लोग हाई क्वालिटी कलर का कोई इमेजेस और एग्रीकल्चर फील्ड डिस्प्ले करते हैं और प्लॉटिंग करते हैं तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है, ओके। स्पेशल एनालिसिस एंड फिल्टरिंग विद इन पॉलीगन्स आर इम्पॉसिबल। तो ये सब हो गया डिसएडवांटेज ऑफ द वेक्टर डेटा। अब देखते हैं रास्टर एंड वेक्टर फाइल फॉर्मेट, रास्टर डेटा एंड वेक्टर डेटा डेटा का फाइल फॉर्मेट देखते हैं कि कौन सी फाइल फॉर्मेट में ये रहता है। तो रास्टर फाइल फॉर्मेट देखिए ADRG, RPF, DRG, ECRG, ECW, SDGrid, GeoTIFF, IMG, JPEG, ये तो आपको पता ही होगा, IMG और JPEG भी तो फोटो जो आपका मोबाइल पे जो इमेजेस होता है वो भी इस फॉर्मेट में रहता है, ओके ठीक है। और MRR, MRSeed, ये हो गया रास्टर फाइल फॉर्मेट। वेक्टर का देख लेते हैं ऑटोकैड, DXF, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, DLG, GeoJSON, जियोमीडिया, ISFC, की होल मार्कअप लैंग्वेज, KML, मैप इनफो टैप फॉर्मेट, NTF, स्पेशलाइट, सेव फाइल, सिंपल फीचर्स, SOSI, स्पेशल डेटा फाइल, TIGER, VPF। तो ये हो गया वेक्टर डेटा फाइल फॉर्मेट। तो इसका फुल फॉर्म में अगर आप चाहते हैं तो गूगल कर सकते हैं, गूगल में इजीली मिल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर बस दो ही क्वेश्चन लिए हैं हम। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 2019 में पूछा गया था। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रास्टर डेटा फॉर्मेट। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा रास्टर डेटा फॉर्मेट का एडवांटेजेस नहीं है। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि रास्टर डेटा फॉर्मेट का एडवांटेज क्या होता है। देखिए सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, इजी एंड एफिशिएंट ओवरलाइंग एनालिसिस, यहाँ पर एनालिसिस लिखा नहीं है लेकिन ओवरले एनालिसिस करने में बहुत ईजिली परफॉर्म कर पाते हैं रास्टर डेटा में, कंपेटिबल विथ रिमोटली सेंस्ड इमेजरी, यह भी करेक्ट है। तो इसका जो आंसर है देखिए ये फोर्थ नंबर, ये वेक्टर डेटा फॉर्मेट का एडवांटेज, ओके। एप्लीकेशन फॉर नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस करते हैं वेक्टर डेटा फॉर्मेट में। तो इसका आंसर हो गया अब नंबर फोर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जनवरी 2017 में पूछा गया था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम यूजेस द वेक्टर एंड रास्टर डेटा। देखिए कौन सा ऐसा सिस्टम है, देखिए चार सिस्टम दिए हैं यहाँ पर, तो लास्ट में तो बोथ वन और टू कर दिए हैं। तो देखिए रास्टर एंड डेटा फॉर्मेट कौन सी सिस्टम यूज करता है। तो इसका जो आंसर है वो है, आपको पता है, GIS, दैट इज़ ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो इतना ही फ्रेंड्स, अगर इस लेक्चर को
अगर आप इस लेक्चर को पसंद करते हैं प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।